शाहजहांपुर क्षेत्र में सरकारी राशन की कालाबाजारी का गोरख धंधा जमकर फल फूल रहा है। राशन माफिया काली जैन ने अवैध राशन के भंडारण के लिए अलग अलग जगह कई गोदाम बना रखे हैं और इन गोदामों पर भाड़े के गुंडों की फौज रहती है, जो शराब के नशे में कभी भी किसी के विश्वास में मारपीट करते हैं और जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब एतमादपुर कोतवाली क्षेत्र के नगला परमसुख स्थित बीएस ढाबे के पीछे अवैध भंडारण के लिए राशन माफिया का गोदाम है, जिस पर रहने वाले करीब आधा दर्जन युवक चाय पीने ढाबे पर आए, जहां ढाबा संचालक शिव कुमार से बैठने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सभी युवकों ने लाठी डंडे से बुजुर्ग शिव कुमार को जमकर पीटा। शिव कुमार को पिटता देख आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो हमलावर युवक जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। नाम है क्या घटना हुई आज आपके यहाँ पे? चाय वालों का काली जैन का जो गोदाम है, क्या क्या गोदाम है? राशन राशन के जो अवैध अवैध राशन का काम करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ है? उसमें जो चावल गेहूँ बाजरा मक्का और ये भी जो गोदाम है पीछे, हमारे पास आए यहाँ करके और बाजू में वापस नहीं करने लगे, दुकान पे बैठे नहीं यहाँ चलो यहाँ पे चलो, तो मारपीट करने लगे डंडा लाठियों से, मेरी चोट चपेट आई है। आपको मारा है? और मारा है मुझे और कैमरा फूटा मेरा पूरा घर अंकित है पूरी घटना। कितने लोग होंगे करीब? करीब 5-6 लोग हैं और काली जैन के साथ। अच्छा, जन क्या नाम है, धमकी दे के गए आपको? काली जैन धमकी दे के गया है कि तुझे साथ घर वालों को तेरी जान नहीं, अब तेरी शक्ल नहीं मिलेगी, तेरी जान से मार देंगे। और पहले भी मेरे साथ में 2 महीने पहले भी मारपीट की थी। अरे जो बॉडी गार्ड रखता है राइफल और बंदूक लेकर के सफारी गाड़ी रखता है, किसान यूनियन लिखा हुआ है गाड़ी पर, उसको राशन को पब्लिक को धोखा दे रहा है और उसको अवैध गुंडागर्दी भी कराता है। आपने थाने में तारीफ दे दी ना? और थाने गए, थाने में जाकर के पुलिस ने कोई सुनवाई की। दबंगों द्वारा की गई इस हमले की पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ढाबा संचालक ने थाना एतमादपुर में तहरीर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक राशन माफिया काली जैन का आतंक यूं ही जारी रहेगा और संबंधित विभाग के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।